गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को विकलांग बालकों के कार्यक्रम के विषय में अवगत कराया था कि विकलांग बालकों के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं, कितने व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र खोले गए थे, व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों के उद्देश्य क्या थे, विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था और किस दिन मनाया जाता है, और विश्व विकलांग दिवस का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था। इसके पश्चात हमने बताया था आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के विषय में। आज हम आप लोगों को कार्यक्रम की रूपरेखा के विषय में बताएंगे कि जब कोई कार्यक्रम बनाया गया तो उस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या हो। बच्चों, विकलांग बच्चों की पूर्व पाठशाला शिक्षा से लेकर उनके व्यावसायिक प्रशिक्षण तक की विशिष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। कार्यक्रम की रूपरेखा जब तैयार किया गया शिक्षा के क्षेत्र के लिए, बच्चों के विकास के लिए, तो उस रूपरेखा में सबसे महत्वपूर्ण बात जिस बात पर ध्यान दिया गया बच्चों, उसमें यह बात ध्यान दी गई, इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि विकलांग बच्चों को जब शिक्षा आरंभ करते हैं, पूर्व पाठशाला की शिक्षा से ही उन्हें पूर्व पाठशाला की शिक्षा से लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षण, पूर्व पाठशाला की शिक्षा से लेकर वो व्यावसायिक प्रशिक्षण तक जब शिक्षा लेते हैं, उन सभी शिक्षा में विशिष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। एक विशेष अध्यापक द्वारा विशेष विद्यालय में विशेष तकनीक सहायता तकनीकों के सहायक तकनीकों के माध्यम से उन्हें शिक्षा प्रदान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे विकलांग हैं और विकलांग बच्चों की भली भांति चिकित्सीय उपचार भी कराना चाहिए। यदि 20 लाख विकलांग बच्चों के लिए विशिष्ट अच्छे विद्यालयों की व्यवस्था करनी है तो देश में 10,000 विद्यालयों की आवश्यकता होगी। अन्य बच्चों की तरह 1990 व 95 तक क्रमशः 6 से 11 वर्ष और 6 से 14 वर्ष के विकलांग बच्चों की प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए, जिस तरीके से सामान्य बच्चों को 6 से 11, 1990 1995 में 6 से 14 हुआ, 6 से 14 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की मान दी गई, और जो अभी तक है कि 14 वर्ष तक के बालक सामान्य बालक को निःशुल्क शिक्षा है, वही प्रावधान अब जो है विकलांग बच्चों के लिए भी है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सामान्य रूप से सभी के लिए हो, और इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया जाना है, क्योंकि इतनी व्यवस्थाएं अगर नहीं दी जाएगी, इतने स्कूल अगर नहीं विद्यालय बनाए जाएंगे तो ये बच्चे कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे, कैसे इनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। इसी आधार पे बच्चों
सातवीं पंचवर्षीय योजना के काल में मध्यम रूप से विकलांग बच्चों की सामान्य विद्यालयों में 25% संख्या बढ़ जाएगी, अर्थात प्रशासकों को विकलांग शिक्षानुमुख प्रशिक्षण किया जाएगा और उसके आधार पे उन्हें शिक्षा मिलेगी सामान्य विद्यालय में। SCERT और डायट के स्तर पे विशेषज्ञता उपलब्ध की जाएगी और वह विशेषता के अंतर्गत बच्चों, वह विशेषता क्या होती है, विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट शिक्षकों को विशिष्ट योग्यता के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें अधिगम सामग्री और अध्यापक संदर्शिकाएं तैयार की जाए। इसके साथ साथ जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ विकलांग बच्चों के लिए सहायक यंत्र एवं उपकरण, यात्रा भत्ता, स्कूल रिक्शा, निशुल्क पाठ्य पुस्तक व पोशाक, पूर्व बाल्य शाला शिक्षा केंद्र ECE, व्यावसायिक शिक्षा का प्लस टू स्तर पर सामान्य विद्यालयों में प्रावधान। इस तरीके से सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों को सामान्य, जो 25% जो मध्यम रूप से विकलांग हैं, उन विकलांग बच्चों को सामान्य विद्यालयों में 25% संख्या बढ़ा दी गई और उनको इस स्तर पे तैयारी करके उस विद्यालयों में पढ़ने की व्यवस्था की गई सामान्य विद्यालयों में, जिनमें विकलांगों के लिए अधिगम सामग्री और अध्यापक संदर्शिकाएं, जिला स्तर पर मनोवैज्ञानिक सेवाओं की व्यवस्था, इसके साथ साथ विद्यालय में सहायक यंत्र एवं उपकरण, यात्रा भत्ता, स्कूली शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक व पोशाक उन बच्चों को, पूरी बाल्यावस्था शिक्षा केंद्र, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र का प्लस टू स्तर पर सामान्य विद्यालयों में प्रावधान निर्धारित किया गया। ये तो सामान्य विद्यालयों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में बना। विशिष्ट विद्यालयों के लिए बच्चों, विशिष्ट विद्यालयों के लिए जो प्रावधान, जो रूपरेखा तैयार की गई, उनमें जिला एवं उप जिला स्तर पर विशिष्ट विद्यालय खोले जाएंगे। इनके साथ ही एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। इसके साथ साथ लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग छात्रावास की व्यवस्था होगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5,000 विद्यालय और खोले जाएंगे। इन विद्यालयों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में 400 विद्यालयों के लिए 3,500 से 4,000 विशिष्ट अध्यापक चाहिए और इनके परीक्षण की व्यवस्था 3,500 से 4,000 विशिष्ट अध्यापक चाहिए और इन अध्यापकों की प्रशिक्षण की व्यवस्था क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय NCERT करेगी। इन विद्यालयों का पाठ्यक्रम इन बालकों की विशेष समस्याओं को ध्यान में रखकर संशोधित और परिष्कृत भी किया जा सके। इसके साथ साथ विकलांगों की शिक्षा पर NCERT, ICSSR, UGC व नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हैंडीकैप्ड आदि संस्थाएं
भारतीय परिस्थिति में अनुसंधान करें। इसके साथ बच्चों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एकीकृत सूचना प्रणाली की स्थापना की जाए और समय समय पर शैक्षिक सर्वेक्षण NCERT आदि संस्थाओं द्वारा किया जाए। इस प्रकार से सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह रूपरेखा तैयार की गई और यह कहा गया कि 400 विद्यालय बनेंगे, 400 विद्यालय में 3,500 से 4,000 अध्यापकों की आवश्यकता होगी, उन अध्यापकों को प्रशिक्षण की व्यवस्था क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के द्वारा किया जाएगा और समय अनुसार इन महाविद्यालयों इन विकलांगों की शिक्षा के लिए NCERT जो है समय समय पर शैक्षिक सर्वेक्षण NCERT आदि संस्थाओं द्वारा इनका किया जाना चाहिए। अतः विकलांगों की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान युक्तिसंगत थे और विकलांगों के प्रशिक्षण के लिए विभिन्न व्यवसायों में आरक्षण का क्रम तो चल ही रहा था, साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विशिष्ट विद्यालय योजना पर बल डाला गया। लेकिन बच्चों, देश में प्रशिक्षित अध्यापक उपयुक्त संसाधन एवं सामग्री तथा विशेषज्ञता के अभाव में इस प्रकार के विद्यालयों का बड़े स्तर पर चालू किया जाना सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय में संभव नहीं प्रतीत होता है। देश में वर्तमान में चल रहे विद्यालयों की दशा में भी सुधार की आवश्यकता है। वर्तमान समय में विशिष्ट विद्यालय केवल शहरी क्षेत्र में हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। जब सातवीं पंचवर्षीय योजना में के समय में यह संभव नहीं प्रतीत हुआ और वर्तमान समय में भी विद्यार्थियों की दशा में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में विशिष्ट विद्यालय केवल शहरी क्षेत्रों में थे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थापित किए जाने की इसकी आवश्यकता थी। तभी जाकर बच्चों, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना की योजना 1987 में बनी। देश में स्वतंत्र अवधि में शैक्षिक अवसरों में अद्भुत विस्तार हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात देश में शैक्षिक अवसरों में अद्भुत एवं आश्चर्यजनक विस्तार हुआ। लेकिन फिर भी ये लगा बेटा, क्यों? क्योंकि फिर भी विकलांग बच्चे शैक्षिक सुविधाओं के इस विकास में पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए, जबकि शिक्षा शैक्षिक अवसरों में अद्भुत विस्तार हुआ, लेकिन सामान्य बालकों को इसका लाभ मिला, विकलांग बालकों को इसका पर्याप्त लाभ नहीं प्राप्त हो पाया। इसी कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार बच्चों के इस वर्ग की क्रिया को एक समान शैक्षिक अवसरों की व्यवस्था के अंतर्गत कर दिया गया। अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने सामान्य स्कूलों में धीरे चलने वाले विकलांग तथा अन्य मध्यम विकलांगों की शिक्षा की सिफारिश की। नीति का उद्देश्य यह था
की समान भागीदारी के रूप में आम समाज के साथ विकलांगों को समेकित करना अर्थात समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, उन्होंने उन्हें सामान्य विकास के लिए तैयार करना और उन्हें साहस तथा विश्वास के साथ जीवन का सामना करने के लिए योग्य बनाना। इस आधार पर समेकित शिक्षा की सिफारिश की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए बनाई गई कार्रवाई योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिए सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक प्रावधानों के विस्तार की परिकल्पना की गई। एक लक्ष्य एवं एक उद्देश्य बनाया गया। और जो कल्पना की गई उसका लक्ष्य तथा उद्देश्य था कि विकलांग बच्चों के लिए केंद्रीय प्रायोजित केंद्र के द्वारा प्रायोजित समेकित शिक्षा योजना अर्थात सामान्य विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसरों को प्रदान करने का दावा करती है। और जो बालक धीरे चलने वाले हैं तथा अन्य विकलांग जो मध्यम रूप से विकलांग हैं, अन्य विकलांग बच्चों के लिए अतिरिक्त क्रियान्वित योजना सिफारिश करती है कि वे विकलांग बच्चे जिन्हें विशेष स्कूलों में रखा गया है उन्हें भी सामान्य स्कूलों में समेकन के लिए उस समय प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जब कार्यात्मक स्तर पर संप्रेषण तथा दैनिक जीवन के कौशल अर्जित कर लें। इनका उद्देश्य यही था कि जब विकलांग बच्चे विशेष स्कूलों में रखे गए हैं उन्हें भी सामान्य स्कूलों में जब वो समेकित के लिए उस समय प्रोत्साहित करना चाहिए जब वे कार्यात्मक स्तर पर संप्रेषण को समझ लें, संप्रेषण तथा दैनिक जीवन में जब वो कौशल अर्जित करने लगे तो इन्हें भी सामान्य बालकों के साथ कौशल प्रदान कराना चाहिए। योजना का प्रारूप यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार योजना में निर्धारित मानदंडों के आधार पर योजना को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को केंद्र जो है वो राज्य संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को सहायता प्रदान करेगी और योजना में शामिल की गई सभी मदों के लिए वह सहायता 100% आधार पर होगी। लेकिन कार्यक्रम के लिए सहायता योजना में तभी मिलेगी कार्यक्रम के लिए सहायता योजना में तभी मिलेगी जब निर्धारित प्रशिक्षित एवं प्रशिक्षण युक्त सहायक तकनीकी योग्य स्टाफ के पूर्व सृजन पर प्रतिनिधित होंगे। और इसके लिए एक क्रियान्वित एजेंसियों का भी गठन किया गया था। क्रियान्वित एजेंसियां निर्धारित की गई थी उन्हें इस योजना के तहत यह योजना बनाया गया। यह योजना क्रियान्वित एजेंसियों के द्वारा यह योजना
शिक्षा अथवा विकलांगों की पुनर्वास के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित स्वायत्त संगठनों, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए क्रियान्वित की जाएगी। जो एजेंसियां थी उन एजेंसियों में यह निर्धारित किया गया था कि विकलांगों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले, जो विकलांग बच्चों के पुनर्वास के क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, रखने वाले प्रतिष्ठित स्वायत्त संगठन होंगे, राज्य सरकार होंगे, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों के जरिए इन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। क्योंकि यह योजना स्कूल में लागू की जानी है, यानी सामान्य विद्यालयों में लागू की जानी है, अतः क्रियान्वयन एजेंसी शिक्षा विभाग होगी। राज्य सरकार जैसा भी संभव हो इस प्रयोजन के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों की सहायता ले सकते हैं। इनके लिए किन क्षेत्रों के लिए ये किया गया था? विकलांग बच्चों के लिए इस योजना के अंतर्गत शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखा गया था और वे इस प्रकार के थे। उनके क्षेत्र क्या थे? विकलांग बच्चों के ही क्षेत्र थे, लेकिन किन किन बच्चों, किस तरह के उसमें बच्चे आते थे, वो बच्चे कैसे और किस तरह की विकलांगता थी, ये क्षेत्र निर्धारित किया गया था। तो क्षेत्र के अंतर्गत जो बच्चे आ रहे थे उसमें गति विषयक विकलांग यानी हड्डी विकलांग बच्चे हों, विकलांग बच्चों के लिए इस योजना के अंतर्गत जो शैक्षिक सुविधाएं प्रदान की गई थी उनमें गति विषयक विकलांग यानी हड्डी विकलांग बच्चे, कम और साधारण श्रवण क्षतिग्रस्त श्रेणी वाले बच्चे जिनको कम सुनाई देता हो या जिनकी सुनने की क्षमता मध्यम हो, उस अक्षमता वाले बच्चे, आंशिक रूप से दृष्टिहीन बच्चे जैसे एक आंख सही काम करे, एक आंख का काणा जिसको कहते हैं, इस तरह के बच्चे, दिमाग से विकलांग का अर्थ यहाँ पे क्या है? बिल्कुल मुड़ नहीं, जिनकी बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 50 से 70 हैं, वह शिक्षणी वर्ग के होते हैं, वैसे बच्चे, बहुविधि रूप में विकलांग बच्चे जैसे नेत्रहीन और हड्डी विकलांग, श्रवण क्षतिग्रस्त और हड्डी विकलांग, शिक्षणी मानसिक रूप से मंद बुद्धि और हड्डी विकलांग, दृष्टि क्षतिग्रस्त और अल्प श्रवण विकलांग के साथ साथ सीखने की असमर्थता वाले बच्चे, ये एक वर्ग था जिनको शिक्षा प्रदान करना था। और दूसरा वर्ग क्या था? निम्नलिखित बच्चों को भी तैयार करने के बाद, इस तरह के बच्चों को तैयार करने के बाद सामान्य स्कूलों में समेकित किया जा सकता है। जब इस तरह के बच्चों को हम शिक्षण एवं प्रशिक्षण के द्वारा सामान्य रूप से तैयार हो जाते हैं तब इन्हें सामान्य विद्यालयों में शिक्षा के लिए समेकित किया जा सकता है। दृष्टि से क्षतिग्रस्त बच्चे यानी जिन्हें आंशिक रूप से दिखाई नहीं देता है, एक आंख वाले, गंभीर श्रवण क्षतिग्रस्त वाले बच्चे, योजना के क्षेत्र में विकलांग बच्चों के लिए पूर्व स्कूल प्रशिक्षण और माता पिता को परामर्श देना शामिल था। इस योजना में बच्चों को तो शिक्षा प्रदान करना था ही, लेकिन पूर्व स्कूल प्रशिक्षण के दौरान माता पिता को भी, बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ माता पिता को भी परामर्श देना आवश्यक था। यह एक इस प्रकार की गतिविधि होगी जो नियमित स्कूल पद्धति में आने वाले बच्चों के लिए प्रारंभिक श्रेणी की होगी।
और इस योजना में इन बात अन्य बातों के साथ साथ इस बात का भी ध्यान देना आवश्यक था कि श्रवण विकलांग बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण, दृष्टि विकलांगों के लिए गतिशीलता और अनुस्थापन, माता पिता को परामर्श तथा बच्चों के गृह प्रबंधन में प्रशिक्षण शामिल किया गया था। इसी योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों के समकेतिक योजना के अंतर्गत विकलांग बच्चों की शिक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर तक जारी रहेगी और सीनियर सेकेंडरी स्तर के समकक्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी इनके शिक्षा में शामिल रहेगा। कोई भी ऐसा विकलांग बच्चा जिसे राज्य केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई भी छात्रवृत्ति या सहायता मिल रही है तो वह इस योजना के अंतर्गत किसी भी लाभ का पात्र नहीं होगा। इस तरीके से समेकित योजना, शिक्षा के लिए योजना बनाई गई थी और इस योजना पे कार्य करने के लिए, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए एजेंसियों का गठन हुआ और इन एजेंसियों ने एक निर्धारित क्षेत्र लग किया कि इस क्षेत्र में के अंतर्गत ये इस प्रकार के विकलांग बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। केवल विकलांग बच्चों को शिक्षा न देकर उनके माता पिता को भी समय समय पर परामर्श देना है पूर्व प्राथमिक विद्यालय से। शिक्षा के साथ साथ उनकी गतिशीलता के आधार पर उन्हें शिक्षा प्रदान करना है और उन्हें सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक आते आते व्यावसायिक, उनके शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को भी शामिल करना अत्यंत आवश्यक माना गया। इसके पश्चात क्रियान्वयन एजेंसियों के द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए अनुश्रवण करने तथा मूल्यांकन करने के लिए उपनिदेशक के पद वाले एक अधिकारी के अंतर्गत एक प्रशासनिक सेल स्थापित करना चाहिए। एजेंसियों ने कहा कि जब क्रियान्वयन की स्थिति आ गई तो उनको सुनने के लिए, एजेंसी के द्वारा कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बाद उसको सुनने और देखने के लिए, उनका मूल्यांकन करने के लिए, अनुसरण करने तथा मूल्यांकन करने के लिए उपनिदेशक के पद वाले एक अधिकारी के अंतर्गत एक प्रशासनिक सेल स्थापित करना चाहिए और इन अधिकारियों का चयन इस क्षेत्र में, यानी विकलांगता के क्षेत्र में उनकी विशेष योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए। विशेष योग्यता के आधार पर किया जाएगा अथवा यदि वे इतने योग्य नहीं हैं तो अन्य पदनामित संगठन द्वारा संचालित एक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षित किया जाएगा। यह सेल योजना के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रों तथा संस्थाओं का पता लगाएगा। इसके साथ साथ योजना को उपयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के, क्रियान्वयन के उपयुक्त रूप में से आयोजन को तैयार करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत राज्य भर में स्कूलों को इधर उधर बिखेर कर स्थापित करने की अपेक्षा योजना के संचालन के लिए कई विकासशील खंडों का चयन किया जाना चाहिए और कई विकासशील खंडों का चयन करने के पश्चात एक चुने हुए खंड के क्षेत्र में सभी वांछनीय निवेश उपलब्ध कराए जाने चाहिए तथा विकलांग बच्चों की अनिवार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्कूलों को शामिल किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ विभिन्न श्रेणी के
विकलांग बच्चे हैं, विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण चुनिंदा क्षेत्रों में आरंभ किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण करते समय स्कूल जाने वाले बच्चों की जांच की जाए ताकि विकलांग बच्चों का पता लगाया जा सके और अवरोधन के लिए उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं और यूपीई के निर्धारित प्राप्त करने के लिए उन्नत उपलब्धि की को पूरा किया जाए। इसके साथ साथ राज्य स्तरीय खेल उपकरण अध्ययन सामग्री, राज्य स्तरीय खेल उपकरण अध्ययन सामग्रियां, स्टाफ के प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था के जरिए विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए संस्थाओं के लिए सुविधाओं की योजना बनाना और सुविधाएं प्रदान करना, और इसी सेल के माध्यम से विकलांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए भी तंत्र स्थापित किया जाएगा। और यही सेल इस बात को सुनिश्चित करेगा कि योजना के संबंध में सूचना व्यापक रूप से परिचित है या नहीं। इस प्रकार से जब रूपरेखा तैयार किया गया, कल्पना की गई, तो उसका एक लक्ष्य तथा उद्देश्य बनाया गया। लक्ष्य और उद्देश्य के बाद योजना का प्रारूप किया गया, फिर क्रियान्वयन एजेंसियां बनाई गई, और क्रियान्वयन एजेंसियों के आधार पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया चलाई गई, और प्रक्रिया चलाने के पश्चात एक प्रशासनिक सेल की स्थापना की गई। प्रशासनिक सेल यानी राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रशासनिक सेल के पास एक उपनिदेशक राज्य सरकार के दिए जाने वेतनमान के अनुसार एक समन्वयक जो एक मनोवैज्ञानिक होगा, उस वेतनमान में जो एक विश्वविद्यालय के प्रवक्ता को दिया जाता है, उस वेतनमान में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में लागू वेतनमानों में एक आशुलिपिक तथा अंतर श्रेणी लिपिक की भी नियुक्ति होगी। एक सेल बनाकर उसमें पदों का विभाजन किया जाएगा और वह पद में वही वेतन मिलेगा जो राज्य सरकार एक विश्वविद्यालय के प्रवक्ता को प्रदान करता है। एक मनोवैज्ञानिक होगा और एक आशुलिपिक तथा अंतर श्रेणी लिपिक भी की भी व्यवस्था की जाएगी। इस तरीके से समकेतिक शिक्षा नीति की योजना बनाई गई और इसको क्रियान्वित करने के लिए उनके उद्देश्यों के लक्ष्य उद्देश्य, योजना, रूपरेखा, क्रियान्वयन एजेंसियां, प्रशासनिक सेल, इन सभी का एक ढांचा बनाकर उसी के अनुरूप विकलांग बालकों के लिए शिक्षा का प्रावधान बनाया गया और उन्हें समकेतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आगे बढ़ाया गया। इन सब के साथ साथ बच्चों, विकलांग बच्चों का मूल्यांकन इन सब एजेंसियों के इन सब कार्यक्रमों के पश्चात एक मूल्यांकन, विकलांग बच्चों के मूल्यांकन का भी गठन किया गया कि विकलांग बच्चों का मूल्यांकन कैसे हुआ, कैसे पता चलेगा कि उनकी प्रगति हो रही है या नहीं। तो विकलांग बच्चों के मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम का समन्वय, बच्चों के मूल्यांकन तथा चल रहे आधार पर
उनकी प्रगति और विकास करने के लिए उत्तरदायी होगा। मूल्यांकन करने के लिए तीन सदस्यों का एक दल गठित किया जाएगा। जिसमें बच्चों एक डॉक्टर होगा, एक मनोवैज्ञानिक और एक विशेष शिक्षक होगा। राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र मूल्यांकन दल प्रशासनिक सेल के अंतर्गत कार्य करेगा और विशेषज्ञ राज्य स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से लिए जाएंगे। जहां कहीं जिला पुनर्वास केंद्र स्थापित किए गए हैं, मूल्यांकन के लिए इसके संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। और इस मूल्यांकन की औसत लागत बच्चों एक लागत भी दी गई, जो सेल गठित किया गया उस सेल के लिए, इस मूल्यांकन के लिए एक औसत लागत 150 रुपये प्रति विकलांग बच्चा से अधिक नहीं होनी चाहिए और बड़ी मात्रा में उन बच्चों का जांच करना अनिवार्य होगा जिन्हें एक समेकित कार्यक्रम में स्थापना के लिए उपयुक्त समझा गया। मूल्यांकन दल के सदस्यों को यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता सेवा नियमों के अनुसार दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य की राजधानी अथवा जिला मुख्यालयों अथवा ऐसे अन्य स्थान जहां समेकित स्कूल पद्धति में 50 अथवा इससे अधिक बच्चे नामांकित किए गए हों, एक मूल्यांकन केंद्र होगा। जहां कहीं भी योजना को अभी आरंभ किया जाना है, ऐसे एक जिला मुख्यालय अथवा राज्य राजधानी ऐसा कोई भी स्थान जहां राज्य सरकार की राय में न्यूनतम 150 बच्चे प्रतिवर्ष मूल्यांकन की आवश्यकता होगी, एक मूल्यांकन कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ मूल्यांकन के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए मूल्यांकन रिपोर्ट अपेक्षाकृत व्यापक रूप से बड़ी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक विशेष बच्चा जो परीक्षण संबंधी परिस्थितियों के दौरान कर सकता है अथवा नहीं कर सकता है, उसके संबंध में पर्याप्त सूचना भेजी जानी चाहिए। रिपोर्ट में यह उल्लेख विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि क्या बच्चे को स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से भेजा जा सकता है अथवा इस प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से सज्जित शिशु शिक्षा केंद्र में, यानी विशेष स्कूल विशेष आरंभिक कक्षा में तैयार किया जा सकता है। इस तरीके से जब शैक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है तो उन बच्चों का पूर्णतः आकलन किया जाता है कि क्या यह बच्चा समेकित शिक्षा के लिए समेकित स्कूलों में भेजा जा सकता है या नहीं। अगर नहीं भेजा जाने योग्य है तो वो उसका क्या उसे विशेष स्कूलों में भेजा जाए, और अगर वह सभी परीक्षण की सभी परिस्थितियों में सफल हो जाता है तो उसका उल्लेख होगा, और अगर बच्चा जो परीक्षण संबंधी परिस्थितियों के दौरान कर सकता है तो अच्छी बात है, और नहीं कर सकता है तो उसके संबंध में पर्याप्त सूचना भेजी जानी चाहिए और उसमें यह उल्लेख होना चाहिए कि विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए कि बच्चे को स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से भेजा जा सकता है अथवा इसे प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से सज्जित शिशु एवं विशेष स्कूल विशेष आरंभिक कक्षा के लिए ही तैयार किया जा सकता है। इस प्रकार से बच्चों समेकित शिक्षा
का गठन करके विभिन्न माध्यमों के द्वारा उनका क्रियान्वयन किया गया, उनके लक्ष्यों को योजना लक्ष्य तथा उद्देश्य बनाए गए, योजना का प्रारूप बनाया गया, क्रियान्वयन एजेंसियों की स्थापना हुई, इसके पश्चात क्रियान्वयन की प्रक्रिया हुई, क्रियान्वयन की प्रक्रिया के पश्चात प्रशासनिक सेल की स्थापना हुई। प्रशासनिक सेल की स्थापना इसलिए हुई कि समय अनुसार वह बच्चों का मूल्यांकन कर सके और मूल्यांकन करने के लिए 3 लोगों का होना आवश्यक था, एक डॉक्टर, एक मनोवैज्ञानिक और एक विशेष शिक्षक। और इन 3 लोगों को 150 रुपये प्रति विकलांग बच्चा से अधिक नहीं देना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ये तय किया गया उनकी यात्रा भत्ता, उनकी यात्रा भत्ता भी निर्धारित किया गया। इसके साथ साथ यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता भी निर्धारित किया गया। इन सभी के साथ साथ उन्हें विशेष रूप से ये कहा गया कि वो शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने के लिए जो मूल्यांकन रिपोर्ट बनाए वो अपेक्षाकृत व्यापक हो और विस्तृत हो, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पे ये निश्चित किया जाएगा कि बच्चे को स्कूल में प्रत्यक्ष रूप से भेजा जाए या नहीं, यानी समेकित शिक्षा के लिए सामान्य स्कूलों में भेजा जाए या नहीं, अथवा उसे विशिष्ट रूप से सज्जित शिशु शिक्षा केंद्र में या विशेष स्कूल, विशेष आरंभिक कक्षा में ही तैयार किया जा सके। इस तरह की रिपोर्ट बनानी होगी और इस रिपोर्ट के आधार पे बच्चों का मूल्यांकन किया जाएगा और बच्चों के मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि बच्चे को शिक्षा के माध्यम से कितना लाभ पहुंचा और समेकित शिक्षा में उसे जाना चाहिए। यहाँ पे इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम विकलांग बच्चों की सुविधाओं के विषय में चर्चा करेंगे। थैंक यू।